नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज एवं थाना इटवा अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत चौखड़ा में लगभग 18वीं शताब्दी में स्थापित प्राचीन ठाकुर द्वारा चौखड़ा पर आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सजाई गई झांकी दर्शक दीर्घा में उपस्थित भक्तों एवं श्रोतागणों को काफी आत्मविभोर कर दिया। इस अवसर पर ठाकुर द्वारा के महंत ठाकुर प्रसाद मिश्रा ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा कंस के कारागार में हुआ था, क्योंकि कंस को हुई भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के 8वीं संतान द्वारा कंस का वध होना सुनिश्चित था, जिसके भय से कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में डलवा दिया था और कारागार में ही कंस ने देवकी के 7 संतान की हत्या कर दी थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार के सभी सिपाही गहरी निंद्रा में लीन हो गए और कारागार के सभी ताले व दरवाजे स्वतः खुल गए। फलस्वरूप वासुदेव ने कृष्ण को कारागार से निकालकर यमुना पार वृंदावन में बाबा नंद और माता यशोदा को सौंप दिया। महंत श्री मिश्रा ने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण के इस माया की वजह से ही सभी पुलिस थानों व जिलों कारागारों और पुलिस चौकियों पर भी मंदिरों की भांति प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। बने रहे हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। सिद्धार्थनगर से राजेश कुमार शास्त्री की रिपोर्ट।